दाजुले सबै मुबारकबाद दिनुहुन्छ जसमा चाहिँ 100 कस्टमर टु 1 कस्टमर लक्की विजेता होला युनस सिरीज गिफ्ट एन्ड गिफ्ट आवर विजेता विशाल मेगावाटको मुरादाबाद एन्ड सो लेट्स स्टार्ट ओके ईद का दिन था, ईद का त्यौहार था, मतलब खुशियाँ बांटना चाहती थी मैं, जिसमें से मैंने 100 में से एक कंटेस्टेंट को मैंने सरप्राइज़ गिफ्ट रखा था, जो लास्ट का होगा 99 में जो 100 होगा मैं उसे एक गिफ्ट सरप्राइज करूँगी। तो यही बात हुई थी, मैं विशाल गई थी, पहले मैं वेब गई, वेब से फिर मैं विशाल गई, विशाल में मेरा टारगेट पूरा हो गया। लेकिन जो वीडियो ये वायरल हुई है, मुझे नहीं पता किसने ये वीडियो वायरल की है, तो उस वीडियो को लेकर मेरी फैमिली में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मेरा बाहर आना जाना, मुझे परेशानी हो रही है आने जाने में बाहर। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो वीडियो है ये सब निगेटिव है, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, मैंने देखो सबको ईद मुबारकबाद दी, ये ईद का ही त्यौहार था, तो मैं नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो कि मैंने सबको ईद मुबारकबाद दी। देखो मैं भी लड़की मुस्लिम धर्म से हूँ, तो मैं सबको ईद मुबारक, जिसने मुझसे ईद मिली, मुझे किसी ने मेरे साथ बदतमीजी नहीं करी, सबसे बड़ी बात मुझे अच्छा लगा सबसे ईद मिल के, क्योंकि जिन लोगों ने मुझसे ईद मिली उनके परिवार भी साथ में थे, उनकी वाइफ बच्चे सब साथ में थे, कुछ लोगों ने अपने बच्चों से भी मुझसे ईद मिलवाई, मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये वीडियो जो वायरल हुआ है, कुछ लोगों ने उस पर अजीब अजीब कमेंट्स कर रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा लोग ना समझें, अपनी थोड़ी सोच को नीचे के करें, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी सोच को समझिए कि ये सब गलत है। मेरे घर में परेशानी आ रही है, तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई हैं इस वीडियो को देखकर, ऊपर से मेरे जो परिवार के लोग हैं, अनदर परिवार के लोग हैं, वो मेरी मम्मी को फ़ोन करके बोल रहे हैं आपकी लड़की ने ऐसा करा है, इज्जत नहीं रखी है, वो थोड़े हम मैं भी मुसलमान घर से, तो मैं समझ सकती हूँ उन लोगों का भी कुछ गलत नहीं कहना है, वो लोग भी अपने तरीके से बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ और उन्हें मैं सॉरी बोलती हूँ कि अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी।